धार्मिक मान्यता है कि पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा नाराज होने के कारण होती है। पितरों के रूठने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे उनके प्रति आपका आचरण, किसी परिजन द्वारा की गई गलती या फिर श्राद्ध न करने से भी यह दोष हो सकता है। कहा जाता है कि मृत आत्माएं अपने परिवार से कोई प्यार स्नेह न मिलता देख श्राप दे देती हैं, जिस कारण उन्हें पितृदोष लग जाता है। लोकल 18 से बातचीत में ज्योतिष संजय मित्तल कहते हैं कि पितृदोष को आसान शब्दों में इस तरह से समझा जा सकता है कि या तो आपके पिता को कठिनाई या फिर आपको पिता होने में कठिनाई हो रही हो। निसंतानता भी पितृदोष में ही आता है। ज्योतिष संजय मित्तल आगे कहते हैं कि प्रभु श्री राम को भी पितृदोष था, इसलिए वह हमेशा अपने पिता से दूर ही रहे। राजा बनने के वक्त भी वह अपने पिता से दूर थे। उन्होंने जन कल्याणकारी कार्य भी अपने पिता से दूर रहकर ही किए। उसके बाद पितृदोष के चलते प्रभु श्री राम के पुत्र भी उनसे दूर रहे। देखिए, पितृदोष को बड़े आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपने बहुत तरीके से सुना होगा इसके बारे में, मैं बहुत आसानी से समझा रहा हूँ चीज को। पितृदोष का मतलब है कि आपके पिता को कठिनाई या आपको पिता होने में कठिनाई। सीधा सीधा पितृदोष का लक्षण यह है। अगर ग्रहों से संबंध देखेंगे तो ये सीधा सूर्य, शनि और राहु की युति। अगर सूर्य और शनि एक साथ हैं या एक दिशा में हैं, ऐसी सूर्य राहु एक साथ हैं या एक दिशा में बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, तो पितृदोष माना जाता है। अब पितृदोष का एग्जाम्पल आपको दूंगा। रामचंद्र जी हैं पितृदोष से पीड़ित रहे, क्योंकि जब तक पिता के साथ रहे राजा नहीं बन पाए, खुद भी पिता होने में कठिनाइयां रही उनको। लव कुश का जन्म से उन्होंने त्याग दिया है ना, पिता से दूर रहे लव कुश भी, वो खुद भी पिता से दूर रहे। तो पितृदोष का जो कैपिटल एग्जाम्पल है वो खुद रामचंद्र जी हैं। पितृदोष का असर रामचंद्र जी के ऊपर रहा, तो पिता से दूर रहकर उन्होंने तरक्की करी, अपने पुत्रों के पास भी नहीं रह पाए, वो भी उनसे दूर रहे, उनको पिता होने में भी कठिनाई रही और उनके पिता को भी कठिनाई रही। तो ये पितृदोष है। देखिए, आप सिंपल सी बात है, जब उनको बोला गया कि अब इनको राजा बनाया जाए, है ना, तो उधर केकई माता ने जो है वो ड्रामा कर दिया, है ना, उन्होंने उनके लिए वनवास मांग लिया। वनवास का मतलब ही क्या है, मतलब पिता के रहते, पिता के जीते जी वो राजा बन ही नहीं पाए, ये पितृदोष ही तो हुआ। पिता से दूर रहकर उन्होंने तरक्की करी, जो उन्होंने लंका को जीता, रावण को मारा, वो पिता से दूर जा करके उन्होंने करा। उससे पहले गुरुकुल में रहे, वो पिता से दूर रहे, विद्यार्थी बने, तब जा करके उन्होंने ज्ञान अर्जित करा पिता से दूर रहकर। पिता से दूर रहकर ही जन कल्याण उन्होंने करा, ये पितृदोष का साक्षात प्रमाण है। अब उनके बच्चों को देखो आप, जब वो गर्भवती थी माता सीता माता, तो उन्होंने उनको त्याग दिया। अब बच्चों ने गुरुकुल में जा करके वाल्मीकि जी के यहाँ उन्होंने वहाँ शिक्षा ग्रहण करी, है ना, तो ये पितृदोष है 100%। रामचंद्र जी को पितृदोष ही रहा, है ना, और उसी के लिए उन्होंने समय समय पर उपाय भी करवाए, है ना। आपने देखा होगा एक प्रकरण, उसके अंदर आता है कि अब जंगल में जो है वो रावण जी आते हैं वहाँ पर श्राद्ध करने के लिए दशरथ जी का, है ना, तो वो कहते हैं भाई मैं तो आपके लिए श्राद्ध करूँगा, हाँ, तो आपको बदले मेरे को कुछ देना पड़ेगा। अब उनकी नज़र में तो सीता थी, अब वो कहने लगे मैं तो वनवासी हूँ, मेरे पास तो राजपाट भी नहीं है, है ना, मेरे पास तो सिर्फ ये घड़ा है। उन्होंने घड़ा पकड़ा दिया उनको, है ना, तो वो घड़े से उनको संतुष्ट होना पड़ा। तो ये पितृदोष का उपाय है। तो हम पितृदोष पीड़ित को बोलते हैं आप गंगा स्नान करिए और एक मटका वहाँ प्रवाहित कर दीजिए, सरल उपाय।